we had discussed about planar continuous mass system. हमने कुछ special cases discuss करे और उसके लिए हमने circular wire और circular disc वहाँ के discuss करे. Now let's discuss about 3D continuous mass system. और 3D continuous mass system के लिए once again, first of all we'll discuss few regular bodies. Regular bodies में sphere. Sphere भी हम दो तरह के sphere discuss करेंगे, एक तो solid sphere और दूसरा hollow sphere. If we have got a thin hollow sphere, hollow sphere. Now, for a thin hollow sphere, I will say we have got the point of symmetry. Thin hollow sphere ke liye hamare paas point of symmetry hai, and that point of symmetry is its सेंटर. जो उसका सेंटर है वही पॉइंट ऑफ सिमेट्री है. और यदि हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो फिर सारी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है. इन दैट केस वह पॉइंट ऑफ सिमेट्री सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा. थिन हॉलो स्फीयर के लिए भी, थिक हॉलो स्फीयर के लिए भी, और सॉलिड स्फीयर के लिए भी. स्फीयर किसी भी तरह का हो उसका सेंटर ही उसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, उसका सेंटर ऑफ मास. नाउ द सिचुएशन बिकम्स इंटरेस्टिंग यदि हम इसे आधा कर दें. इफ वी हैव गॉट थिन हॉलो हेमिस्फीयर, इफ वी हैव गॉट अ थिन hollow hemisphere. ध्यान रहे हम thin sphere की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये पतला है. thin hollow hemisphere whose mass is m and radius is r. इस तरह के thin hollow hemisphere का हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है. मैं इस थिन हॉलो हेमिस्फीयर को इस तरह से रखा हुआ देखता हूं. दिस इज द पोजिशनिंग. और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ 3D मास सिस्टम. यह एक 3 डायमेंशनल मास सिस्टम है. यह लीनियर मास सिस्टम नहीं है, प्लेनर मास सिस्टम नहीं है. इसमें जो मास है वो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ है. और यह कंटिन्यूअस सिस्टम है, 3 डायमेंशनल कंटिन्यूअस मास सिस्टम. इस 3 डायमेंशनल कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है. हमें मेथड समझना है कि किस मेथड से हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हैं. वंस अगेन ऑल्दो फॉर एनी 3 डायमेंशनल मास सिस्टम हमने 3 इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए. मगर वंस अगेन हमें वह तीनों इक्वेशन अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम इस मास सिस्टम के लिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं ढूंढ पाए, मगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं. और एक्सेस ऑफ सिमेट्री ढूंढने के बाद हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई करनी होगी. हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफाइन कर देते हैं. लेट्स डिफाइन
कोऑर्डिनेट एक्सिस इन दिस मैनर, हम इसे एक्स एक्सिस बोल देते हैं और इसके सेंटर से इस तरह से वर्टिकल जाती हुई इसे वाई एक्सिस बोल देते हैं और इसे हम जेड एक्सिस बोल देते हैं। हमने जिस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करी है, ध्यान से देखिए, वंस अगेन वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वाई एक्सिस के चारों तरफ मास बिल्कुल सिमेट्रिकली फैला हुआ है। एंड सिंस वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हेंस सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस। उसका हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड हेंस y coordinate of center of mass must be finite, x coordinate of center of mass must be zero, z coordinate of center of mass must be zero, और y coordinate of center of mass निकालने के लिए we need to apply this definition, integral of y dm upon integral of dm। यह definition हमें apply करके इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है। अब इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का मेथड समझिए। वंस अगेन, सबसे पहले हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी होगी। इस केस में वह कांस्टेंट और यूनिफॉर्म क्वांटिटी हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या डिफाइन करें? हम कहते हैं इफ दिस इज अ थिन हॉलो हेमिस्फीयर देन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस कर्व्ड सरफेस एरिया and it's uniformly distributed. Complete mass m is distributed over the hemispherical curved surface area. So, main define karta hun mass per unit curved surface area. Curved सरफेस एरिया, और इसको मैं सिग्मा और ऊपर ऐसा कर्व्ड एरिया बना देता हूं, एक कैप, एक टोपी सी पहना देता हूं। इसका मतलब होगा मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं। मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, मास ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज कैपिटल एम, एंड व्हाट इज द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया? स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे दिस इज डीएम अपॉन डीए, और डीए के ऊपर भी मैं क्या मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया, डीएम बाय डीए, डीएम अपॉन डीए। मैंने यह क्वांटिटी इस तरह से डिफाइन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, वंस अगेन एक हमें वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो डीएम लेना होगा, एक डिफरेंशियल मास लेना होगा, डिफरेंशियल मास लेकर इस सिचुएशन को डिस्क्रिटाइज करना होगा। अब इस जगह पर जो मैं काम कर रहा हूं, डेफिनेटली दैट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, समझने का पूरा पूरा प्रयास करा जाए, लिखा जाए अच्छी तरह से, बार बार पढ़ा जाए। कुछ चीज नहीं भी समझ में आती है तो लोड लेने के बजाय उसको लिखो, बार बार जब पढ़ोगे अपने आप 12th स्टैंडर्ड तक आते आते सारी चीज समझ में आएगी। हम इन चीजों को 12th स्टैंडर्ड के लिए रखेंगे नहीं, हम अभी ही कर लेंगे। ऑल्दो कैलकुलस में इन चीजों को आप दोबारा 12th में पढ़ते हो, मगर हम बाद के लिए रखने के बजाय, सिंस वी आर स्टडिंग द चैप्टर, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन चीजों को यहीं पर कवर अप करके लिख कर रख देंगे, समझने की कोशिश पूरी की। देखिए, मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूं, यह डिफरेंशियल एलिमेंट मैं यह ले लेता हूं इधर इस तरह से,
यह जो मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसका शेप क्या होएगा जरा आप सोचिए, व्हाट मस्ट बी द शेप ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। यह एक इस तरह की रिंग होगी, मैंने काट जो दिया ना ये इस तरह की रिंग होगी, सर्कुलर रिंग, जिसमें यह कर्व सरफेस ऐसा होगा और ये चारों तरफ इस तरह से गोल रिंग जाएगी। यह एक गोल रिंग, यह डिफरेंशियल एलिमेंट हमने दिया है। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए अब हम कुछ वेरिएबल पैरामीटर्स लिखते हैं और हम उन्हें रिलेट भी करेंगे। सबसे पहले हम डीएम निकाल देंगे और इंटीग्रल डीएम इक्वल टू एम वेरीफाई करेंगे, फिर हम इस एक्सप्रेशन को भी अप्लाई करेंगे। जो काम करने जा रहा हूं वो लंबा है, बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, इसलिए जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी लिखते जाइए और उसको वहीं का वहीं समझते भी जाइए। देखिए सबसे पहले जो मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, एक तो मैं कहता हूं लेट अस से दिस इज वाई, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वाई एक्सिस पर, वाई की दूरी पर है, दिस इज अ वेरिएबल पैरामीटर एंड इट्स थिकनेस इज डी वाई। इसकी जो थिकनेस है वह डी वाई। मैं एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस करता हूं थीटा, एंगल थीटा। यह एलिमेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसके दोनों एंड्स डी थीटा एंगल सबटेंड करते हैं। डी थीटा इज एंगल सबटेंडेड। मैं इधर एक और वेरिएबल, और दो मैं इतने सारे वेरिएबल इंटीग्रेट करने के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं लिखूंगा मगर इन्हें रिलेट जरूर करूंगा। इस हेमिस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है मगर ये जो मैंने डिफरेंशियल रिंग ली है इस डिफरेंशियल रिंग का रेडियस कैपिटल आर नहीं होगा। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है जो कि एक रिंग इस तरह की है इसका रेडियस होगा स्मॉल आर। ये यहां से यहां दिस इज द रेडियस। सबसे पहले हमने जो डिफरेंस, हमेशा कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए हमको एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना ही होता है, उस डिफरेंशियल एलिमेंट को लेकर हमें सिचुएशन को डिस्क्रिटाइज करना होता है। डिस्क्रिटाइज करके हमने उसको उसमें वेरिएबल्स कुछ लिख दिए, अब हम इन्हें इसी समय रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैं स्मॉल आर के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं, मुझे सारी चीज सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करनी है और वो सिंगल वेरिएबल में थीटा के रूप में रिड्यूस करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्मॉल आर और थीटा को रिलेट करता हूं। देखिए इफ दिस एंगल इज थीटा इन दैट केस दिस एंगल वुड बी ऑल्सो थीटा, इट वुड बी ऑल्टरनेट एंगल। यह एंगल यदि थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा। तो स्मॉल आर के लिए मैं लिखता हूं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज कॉस थीटा, स्मॉल आर इज आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा। बड़े ध्यान से देखिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल मस्ट बी थीटा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल दिस स्मॉल आर इज अ बेस एंड कैपिटल आर इज हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज कॉस थीटा, सो स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा। अब नाउ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग, ये जो रिंग है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल सर्कमफेरेंस लेंथ वुड बी 2
pi into small r. Circumference of ring is 2 pi r. Small r is the radius. अब इस small r की जगह r cos theta लिख देता हूं, तो इसकी length हो गई 2 pi into capital R cos theta. This is the length of this ring. अब इसकी curved width, this is the curved width. This is curved width. इस जगह पर मैं लिखता हूं एंगल की जो डेफिनेशन होती है, डी थीटा इज एंगल, डी थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस. यह डेफिनेशन अप्लाई करूंगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क मैं लिखूंगा कर्व्ड विड्थ. आर्क की जगह पर कर्व्ड विड्थ, रेडियस की जगह पर कैपिटल आर into d theta. This curved width is radius r into this angle d theta. अभी तक मैंने कोई heavy, huge, कोई बड़ा application नहीं लगाया है. All this is the basic application of trigonometry and geometry. The basic thing that you had already studied. जो calculus वाला part है वो काफी बाद में आना है, वो जहां पर आएगा मैं आपको बताऊंगा. ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हो. अब मैं कहता हूं ये जो differential element है, इस differential area, इसका जो area होगा वह differential. Differential element का area भी differential. छोटे से element का छोटा सा area. Differential area would be its length into width, curved width. Differential area और ऊपर ऐसा cap पहना दिया. DA means differential area और जो cap पहनाया इसका मतलब curved surface area. This curved surface area, this differential curved surface area is length जो हमने already लिख रखा है into curved width, वो भी हमने already लिख रखा है. So this differential area is this length into curved width कर रहा हूं 2 pi r square cos theta d theta. This is differential area. मैं differential mass लिखने जा रहा हूं और differential mass लिखने के लिए मैं यह definition apply करूंगा. Differential mass is dA into sigma. Mass per unit area dm is equal to mass per unit area into area. Mass per unit area into area would be mass. So mass per unit area ki jagah to sigma likhunga aur is jagah differential area. Since area is differential, hence mass is also differential. Differential mass ka differential area ya differential area ka differential mass. सिग्मा की जगह पर मैं अब सिग्मा की वैल्यू लिखता हूं m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इनटू 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा. थ्रू आउट 2 पाई r स्क्वायर, 2 pi r square cancelled. So, यह हो गया m cos theta d theta.
This is differential mass, dm. अब इधर मैं एक बात और बता दूं, हम हमेशा एक काम करते हैं, dm जब हमने लिखा है तो क्यों ना इसी समय इंटीग्रल dm यहीं पर डिटरमाइन कर लें. इंटीग्रल dm की आवश्यकता भी हमें है, और इंटीग्रल dm डिटरमाइन करने से यदि इंटीग्रल dm इक्वल टू m आ जाता है तो ये बात भी साबित हो जाती है कि अभी तक जो भी कुछ हमने करा है वो सब कुछ सही है. इंटीग्रल dm शुड ऑलवेज कम आउट टू बी इक्वल टू m. इंटीग्रल dm यहां हम इंटीग्रल dm लिखते हैं, और इंटीग्रल dm जब हम लिखेंगे तो dm की जगह पर यह dm की वैल्यू m cos थीटा d थीटा, m cos थीटा d थीटा. अब m जो कि कांस्टेंट है वह बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल साइन के अंदर रह जाएगा cos थीटा d थीटा. यहीं पर अब हम लिमिट्स देख लें. जो हम पहला एलिमेंट लेंगे उसके लिए थीटा की वैल्यू जीरो लेंगे, और जो हम आखिरी एलिमेंट लेंगे उसके लिए थीटा की वैल्यू पाई बाय टू. अब जरा सोचिए कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या है? इट्स साइन थीटा. कॉस थीटा का इंटीग्रल है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा. तो इस जगह पर m और इंटीग्रेट करने के बाद मैं साइन थीटा ऐसे लिख देता हूं 0 टू पाई बाय 2. अब मैं लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. दिस इज m इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 डिग्री, और m इंटू साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 0 इज 0. दिस इज इक्वल टू m. इंटीग्रल dm इज इक्वल टू m. यह बात हमने ऑब्टेन कर ली, हमने प्रूव कर दी. इसका मतलब अभी तक जो भी कुछ हमने करा है वह कंसेप्चुअली, वह मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है. दिस इज अ मेथड टू वेरीफाई योर अप्रोच. आपने जो भी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में जो भी कुछ अप्रोच लगाई है, उस अप्रोच को वेरीफाई करने का, कि अभी तक जो कुछ करा है वो बिल्कुल सही, वेरीफाई भी कर लिया, और साथ में इंटीग्रल dm की जो हमें इधर आवश्यकता है वह भी हमने m प्रूव कर दी. अब हमें लिखना है y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए y जरूरी है. अब जरा सोचिए, ये जो पूरी डिफरेंशियल एलिमेंट है इसको यदि हम कंसंट्रेट करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, इसको यदि हम पॉइंट मास बना देंगे तो उस पॉइंट मास को इस रिंग के सेंटर पर रखेंगे. उस रिंग के सेंटर के लिए y की वैल्यू होगी y, मगर इस y को हम y लिखने के बजाय, सिंस वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ थीटा, हम थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y को भी हमें थीटा के टर्म्स में लिखना चाहिए. जरा देखिए, दिस इज y, यह एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. मैं कहूंगा y अपॉन कैपिटल R इज साइन थीटा, सो y इज इक्वल टू R साइन थीटा. y इज इक्वल टू R साइन थीटा, यह बात मैं इधर लिख देता हूं. y इज इक्वल टू R साइन थीटा. मैं y dm भी लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ydm चाहिए, ydm. ydm is r sin theta into m cos theta d theta. y की जगह r sin theta, dm की जगह m cos थीटा d थीटा. मुझे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, m और r बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा.
मैं इसे साइन टू थीटा के टर्म्स में लिखता हूं. साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा अपॉन टू. साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा विद साइन थीटा कॉस थीटा इन टू डी थीटा. की जगह मैंने साइन टू थीटा बाय टू लिख दिया. ये मैंने वाई डीएम लिख दिया. अब मैं सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कर देता हूं. इट्स इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम, वाई डीएम की जगह यह एम आर अपॉन टू इन टू साइन टू थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम इज एम. एम आर अपॉन टू जो कि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा. एम आर अपॉन टू जो कि कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया. एम भी बाहर आ गया, अंदर रह गया इंटीग्रल ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा. और लिमिट्स हमने पहले ही आइडेंटिफाई करके रख रखी है. थीटा की जो लिमिट्स हैं वह 0 से पाई बाय 2, वही लिमिट इधर भी अप्लाई होगी 0 से पाई बाय 2. यह मास m से मास m कट जाएगा. और अब हमें साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रल लिखना है. और इस जगह पर मैं लिखता हूं साइन टू थीटा डी थीटा का इंटीग्रल है माइनस कॉस टू थीटा बाय टू. वंस अगेन अब यह चीज आपको लिखना ही होगी. ट्वेल्थ क्लास में आप जब कैलकुलस पढ़ोगे तो आप इस बात को सीखोगे कि इसका इंटीग्रल हमने कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा बाय टू कैसे लिखा. अभी हम सिर्फ इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लिखेंगे. यहां तक की सारी बात बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए थी. इसके बाद इसका जो इंटीग्रल लिख रहा हूं वो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर बाय टू तो मैं ऐसा कैसे लिखूंगा. और इसका जो इंटीग्रल है वह कॉस टू थीटा बाय टू. दिस इज माइनस कॉस टू थीटा बाय टू. माइनस कॉस टू थीटा बाय टू और इंटीग्रेट करने के बाद जीरो से पाई बाय टू. दिस आर द लिमिट्स. मैं इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करता हूं. और लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरह से यहां एक्सप्रेशन दिखने लगेगा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r बाय टू इंटू माइनस ऑफ cos pi बाय टू माइनस ऑफ cos 0 डिग्री बाय टू और प्लस ऑफ cos थीटा की जगह पाई बाय टू. तो इधर cos pi हो गया माइनस cos pi बाय टू. इधर माइनस माइनस प्लस हो गया. दिस बिकम्स कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन. सो दिस वन बाय टू प्लस वन बाय टू. दिस बिकम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर बाय टू अपॉन वन बाय टू प्लस वन बाय टू और दिस इज इक्वल टू आर बाय टू. सेंटर ऑफ मास लाए एट आर बाय टू एग्जैक्टली इन मिड. कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होता है बिल्कुल बीच में आर बाय टू की दूरी. बड़े ध्यान से जिसको देखें सबसे पहले यह बात देखें साइन टू थीटा डी थीटा इसका इंटीग्रल मैंने लिखा है माइनस कॉस टू थीटा बाय टू. यह स्टैंडर्ड में कैलकुलस में आप सीखेंगे. इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप समझ सकते हैं.
ध्यान से देखिए, मैं इसी से रिलेटेड एक दो बातें भी और भी बताऊंगा। पहले इसको लिख लो। अब इस जगह पर मैं एक बात और प्रूव करूंगा, इस थिन हॉलो हेमिस्फीयर के लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस इज कॉन्स्टेंट। मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग y एक्सिस इज कॉन्स्टेंट, वो मैं कैसे प्रूव करूंगा, dm by dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे प्रूव करता हूं, जरा ध्यान से देखें। पहले मैंने यह चीज लिख रखी है dm, यह dm लिख रखा है। मैं इंटीग्रल dm के लिए यह अभी हटा देता हूं और यह सब चीज भी हटा देता हूं। सेंटर ऑफ मास ऑब्टेन करने का यह जो तरीका था, मैं y इज इक्वल टू r साइन थीटा यह बात लिखा था। अब मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, मैं dy बाय d थीटा लिखता हूं, dy बाय d थीटा। r तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है cos थीटा। फ्रॉम हियर वी से दैट cos थीटा d थीटा इज dy अपॉन r। ये d थीटा ऊपर गया, cos थीटा d थीटा r नीचे आ गया, cos थीटा d थीटा इज dy अपॉन r। अब मैं इस कंसेप्ट को इस जगह पर लिख दूंगा। मैंने लिखा हुआ है dn इज इक्वल टू m cos थीटा d थीटा। इस जगह पर मैं लिख दूंगा dm इज इक्वल टू m और cos थीटा d थीटा की जगह पर dy अपॉन r। और इस तरह से यह एक्सप्रेशन दिखने लगा dm अपॉन dy। dy नीचे लाया, dm अपॉन dy इज टोटल मास अपॉन रेडियस। मास इज अ कॉन्स्टेंट, r इज अ कॉन्स्टेंट, dm बाय dy इज अ कॉन्स्टेंट एंड दिस इज दैट मास डिस्ट्रीब्यूशन along y axis is uniform, mass is uniformly distributed along y axis, y axis ke along mass bilkul uniformly distributed hai, this is the meaning of this expression। hum kehte hain thin hollow sphere mein y axis ke along mass uniformly distributed hai, iska matlab ki yah ek y एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई एक रॉड के माफे के, एक r लेंथ की रॉड y एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है जिसका सेंटर ऑफ मास r बाय 2 पर है। दिस अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास r बाय 2 एग्जैक्टली एट द सेंटर। हम कई जगह पर यह रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं समझाऊंगा सॉलिड हेमिस्फीयर। नाउ After discussing about thin hollow hemisphere, now we will discuss about solid sphere and solid hemisphere. Solid sphere के लिए तो हमारे पास point of symmetry है, and that is the center, और वही center of mass है. The interesting situation would be solid hemisphere. Now we will determine center of mass of a solid hemisphere whose mass is m and radius is r. Solid hemisphere. Mass m and radius is r. Ab is jagah par
can you take it as a challenge and put your attempt first करने के बजाय क्या इसको आप लोग करने का एक बार प्रयास करेंगे. Let us see among you who can do it. मैं स्टेप्स सारी सारी बता देता हूं और उन स्टेप्स में आप काम को करना चालू करो और आप देखो कि आप लोग प्रूव कर पा रहे हो या काम को कर पा रहे हो या नहीं. मैं फाइनली आंसर भी पहले से ही बता देता हूं. मैं पहला स्टेप कहता हूं कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज कर लेना है और कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करके हमें डेफिनेटली वाई एक्सेस को एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम इस तरह से बना देंगे और एक्स एक्सेस इधर और जेड एक्सेस इधर. तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया, जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया, वाई कोऑर्डिनेट फाइनाइट हो गया और हमें वह वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है. अब सबसे पहले हमें कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी. योर टास्क इज सबसे पहले वह कांस्टेंट क्वांटिटी सोचिए और डिफाइन कीजिए कि वह कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो. उसकी डेफिनेशन को लिखिए, उसके एक्सप्रेशन को लिखिए. हमने वायर के लिए भी कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करी थी, हमने सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए भी कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करी थी, हमने थिन हॉलो हेमिस्फीयर के लिए भी कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करी थी. इधर आप वह कांस्टेंट क्वांटिटी क्या डिफाइन करोगे, उस डेफिनेशन को भी लिखो, उसके एक्सप्रेशन को भी लिखो. फिर उस कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफाइन करने के बाद एस वी नो दैट कि किसी भी कंटिन्यूस मास सिस्टम में सबसे पहले डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जाता है. उस डिफरेंशियल एलिमेंट को इस केस में देखिए, काम को करने के कई तरीके हैं, मैं इधर सिर्फ एक सैंपल मेथड बता रहा हूं. जितने भी अभी तक मैंने प्रॉब्लम कराए उन सबको करने के दो या तीन मेथड हो सकते थे. मैंने एक सैंपल मेथड बताया है और वह मेथड बताया है जो सबसे आसान है, जो सबसे इजी है. इधर भी जो सबसे आसान और सबसे इजी मेथड जो होगा उसके लिए हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करेंगे दैट शुड बी लाइक दिस. वह डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए. इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप कैसा, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप होगा थिन हॉलो हेमिस्फीयर, थिन हॉलो हेमिस्फीयर ऐसा शेप होगा. इसका रेडियस आपने आर लिख दिया, इसकी थिकनेस आपने डी आर लिख दी. अब इस डिफरेंशियल मास के लिए, इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए आप डीएम लिखकर बताएंगे इसका डीएम क्या होगा. इसका डीएम लिखने के बाद आप इंटीग्रल डीएम कीजिएगा और इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम प्रूव कीजिए. इंटीग्रल डीएम एम आना चाहिए और फिर इसके लिए y भी लिखिए, व्हाट मस्ट बी y फॉर दिस. और फाइनली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm. यह कंसेप्ट अप्लाई करके आप सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन कीजिए. टेक इट एज अ चैलेंज. इसी समय मैं आपको 5 टू 10 मिनट्स देता हूं और आप इसे अभी स्वयं से करने की कोशिश कीजिए. आई हेल्प यू आउट डेफिनेटली. मैं वहां पर आकर आप सबकी मदद करूंगा कि कहां क्या करना चाहिए, पर एक बार प्रयास आप कीजिए इसी समय. नाउ लेट मी टेल यू द मेथड फॉर सॉल्विंग द सिचुएशन. देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट क्वांटिटी है रो, वी शुड डिफाइन इट एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. द
the total mass is m, and the total mass of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Mass is m, and the total volume is, ध्यान रहे, sphere का volume होता है 4 by 3 pi r cube. Hemisphere का volume है 2 by 3 pi r cube. It's cm by 2 pi r cube. हमने इस तरीके से मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर दिया है. दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब मुझे dm लिखना है. मैंने ऑलरेडी डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करने का तरीका बता दिया है कि डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे चूज करा जाए. यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इट्स थिन हॉलो हेमिस्फीयर. थिन हॉलो हेमिस्फीयर है और इसका टोटल एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर. इसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर. ध्यान रहे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. ये हेमिस्फीयर है आधा है इसलिए इसका एरिया हुआ 2 पाई आर स्क्वायर. अब इसकी विड्थ कितनी है. विड्थ इज डी आर. ध्यान रहे डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है एरिया इनटू डिफरेंशियल विड्थ. डिफरेंशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस. सो एरिया इनटू थिकनेस, थिकनेस इज डी डब्ल्यू. दिस इज वॉल्यूम. डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल वॉल्यूम. एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. विड्थ इज डी आर. इस तरह से हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखा. अब डिफरेंशियल मास लिखता हूं. डिफरेंशियल मास मस्ट बी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सिग्मा एंड इट्स वॉल्यूम इज गिवन. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं लिखता हूं 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और इधर हो गया 3m बाय r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr. यह डिफरेंशियल मास dm हो गया 3m अपॉन r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr. यह डीएम मास. अब आई आस्क यू कि प्रूव दैट इंटीग्रल डीएम क्या आता है. इंटीग्रल डीएम को एम आना चाहिए. इससे यह बात भी प्रूव हो जाएगी कि हमने जो डीएम लिखा है सही है और हमें वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी इंटीग्रल डीएम की आवश्यकता है. तो इंटीग्रल डीएम अब हम लिखते हैं. इंटीग्रल ऑफ डीएम is integral of 3m by r cube into r square dr. 3m is a constant, r cube is a constant, integral of r square dr from 0 to capital R. अब r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल होता है r क्यूब बाय 3. 3m अपॉन r क्यूब इंटू r क्यूब बाय 3 इंटीग्रेट करने के बाद में 0 टू r.
integral of dm is 3m by r cube. Upper limit में r की जगह capital R cube by 3 minus 0 cube by 3. So this becomes m. Integral dm is equal to m. यह बात हमें प्रूव करना थी, हो भी गई और इंटीग्रल dm की वैल्यू भी आ गई. अब यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, दिस इज अ थिन हॉलो हेमिस्फीयर. थिन हॉलो हेमिस्फीयर के लिए हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता है. इसका सेंटर ऑफ मास होता है r बाय 2 पर, y इक्वल टू r बाय 2. इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसके लिए y की वैल्यू होगी r बाय 2. मैं इनफैक्ट इस चीज को इधर लिखने के बजाय लेट मी सेव सम स्पेस और मैं इधर ही लिखता हूं y इक्वल टू r बाय 2. और अब मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm. इंटीग्रल ऑफ y की जगह r बाय 2 और dm की जगह यह वैल्यू 3m बाय r cube into r square dr upon integral of dm is m. Now we'll solve this to get y coordinate of center of mass. Y coordinate of center of mass is 3m upon 2r cube whole upon mass m. यह तो constant है जो बाहर आ गया और integral के अंदर रह गया r to the power 4 dr from 0 to capital R. इस तरीके से हमने लिख दिया और यह हो गया 3 m से m cancelled, 3 by 2 r cube and this becomes r cube dr, r cube dr r to the power 4 by 4 from 0 to r or 3 by 2 r cube into r to the power 4 by 4 minus 0 to the power 4 by 4 comes out to be y coordinate of center of mass comes out to be 3r by 8. ये जो मैं finally result obtain करके दे रहा हूं, you need to memorize this results. आपको इन results को memorize करने की आवश्यकता पड़ती है. Problem करते समय यहां काम में आते. In fact, there are few standard cases, regular cases. y coordinate of center of mass of a solid hemisphere is 3r by 8. इस base से 3r by 8 की ऊंचाई पर इसका center of mass होता. बड़े ध्यान से center of mass को obtain करने के तरीके को देख लीजिए. मैं center of mass के लिए एक standard case finally lastly और बता देता हूं. That is center of mass of a solid cone or a solid cone mass m height h base radius r and half angle alpha. Instead of deriving, I'll write the final result, I'll write the final answer. This is a solid cone. Its height is h,
this is height, height from base to apex. This is base radius r, and this is half angle alpha, and it's having mass of m. We used to say its center of mass is located at the height of h by 4. Center of mass is located at the height of h by 4 from its base. It's independent of half angle or the base radius. The location of center of mass is independent of half angle alpha. Na to half angle alpha pa depend karta hai, na base radius pa depend karta hai. Solid cone ke liye jo center of mass hai, wo uske base se h by 4 ki height par hota hai hamesha. All this are the few interesting cases, regular cases, standard cases, and their center of mass, the location of center of mass is needed to be memorized. With that, I finish the locating or location of center of mass ki locate karna, ye jo pehla part tha finish hua. Ab center of mass ka ek chota sa article, ek chota sa part aur bacha hua hai, that is the motion of center of mass. Main mere agle lecture mein motion of center of mass sikha ke center of mass topic ko finish karwa dunga, and then I'll continue this topic with momentum and its conservation principle. Aaj ke din hum itna hi karte hain. Next lecture mein hum seekhenge motion of center of mass.